आपने ऐसा किया क्या है कि आपको मूंछी पाने की जरूरत पड़े? आपने क्या चोरी की है? नहीं, चोरी नहीं की है। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने एक नाटक में भाग लिया है, नाटक, और उसमें मैं बंदरों का सरदार बना हूँ। ओ भाई ने, आप बंदर बने? तुझसे कहा किसने ये बंदर बनने के लिए? कोई चारा ही नहीं। क्या? है मतलब और कोई रोल ही नहीं बचा था, सिर्फ मेन रोल था। वेल रात को मैंने तुझसे कहा था ना कि रात को बंदर की कहानी मत सुन, वरना तेरा पति बंदर हो जाएगा। ए नहीं, बंदर हो गया। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जो दिखता है वैसे मैं बोलता हूँ। डुल्लू तो ऐसा कौन सा नाटक कर रहा है? बंदर का ब्याह। अरे वाह, तो इसकी कहानी सुनाए ना, मुझे बंदर की कहानी सुनना बहुत पसंद है। हाँ सुना सुना, कल रात को मैंने कहानी सुनाई थी, अब आप सुनाओ। हाँ सुनाइए ना, सुनाइए ना। अरे हाँ हाँ, बात 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 बात, सुनाए सुनाए सुना रहा हूँ। रुक, एक बंदर होगा, उस बंदर की शादी हो जाती है दो बंदरियों के साथ, और फिर उन दोनों से बचने के लिए उसका ससुर है, यहाँ पे उसकी माँ है, सब उसको टॉर्चर कर रहे हैं। ऊपर से मेरे चाचा जी भी आ गए हैं, जो थोड़े से बहुत ही फनी कैरेक्टर है, आप देखेंगे तो आप हंस हंस के लुटपोट हो जाएंगे। तो अभी चाचा जी, वो बेचारे भोले से गांव के आदमी हैं, तो वो उसको मिलना चाहते हैं, उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भाग रहा है क्योंकि शीना के घर पे चाचा जी पहले पहुंच चुके थे। तो वो आज शीना के पति उसको पहले ही मिल चुका है। तो अभी बहुत सारा लोटपोट, बहुत सारा इधर मस्त धमाल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बेचारा बस बकुल बुरी तरह से फंस चुका है, उसे सिचुएशन से निकलना है।